अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज फॉर क्लास 10। देश प्रेम कविता से है, ठीक है। देश प्रेम कविता का पार्ट वन में मैंने दो पद जो है, दो स्टैंजा जो है आप लोगों को समझा दिया था, जिसमें था कि देश प्रेम हमारे अंदर से, देश प्रेम कहीं लुप्त हो जा रहा है और कवित्री को ऐसा लग रहा है कि वो कहीं हमारे अंदर छिप कर बैठ गया है। वो देश प्रेम को चिल्लड़ पैसे से कंपेयर करती है जो कोट के कोने में कहीं छुप जाता है, ठीक है। और जब वो अचानक से उसे ढूंढती है अपनी उंगलियों से तो उंगलियां उसमें फंस जाती हैं और तब वो उसको एहसास होता है कि उसके अंदर भी देश प्रेम की भावना है। आगे पढ़ेंगे इसको। ऐसे ही छुट्टे पैसे सा छिपा हुआ है मेरे ही कोने अंतरों में, मुझे मिला वो जिसका भारी भरकम एक नाम है देश प्रेम। और ऐसे ही पैसे सा, छुट्टा पैसा सा, खुदरा पैसे सा उसको छिपा हुआ मिला उसके ही अंदर में कहीं पे। वो देश प्रेम को जो है पैसों से, छुट्टा पैसा जो कोने में, कोट के कोने में कहीं छुप गया था, वो उससे कंपेयर कर रही है। ऐसे ही छुट्टे पैसे सा वो उसे मिला किसी कोने में, जिसका एक भारी भरकम सा नाम था देश प्रेम, ठीक है। एक भारी भरकम सा नाम है देश प्रेम। इस पद में कवित्री कहती है जिस प्रकार से कोटों के फटे अस्तर में पैसे छिपा बैठा रहते हैं, उसी प्रकार से उनके मन में किसी कोने में देश प्रेम जैसी महान भावना छिपी होती है। तो कवित्री कहती है जिस तरह से कोट के फटे अस्तर में पैसे छिपे बैठते हैं, उसी तरह उसके मन के किसी कोने में भी देश प्रेम की भावना जो है, महान भावना जो है, जो हर देशवासियों के मन में होती है, वो भी कहीं छिपी बैठी है। जिसका अर्थ अपने आप में बहुत कुछ होता है, जिसका मतलब अपने आप में ही बहुत कुछ इसका मतलब होता है। आज की संस्कृति पर व्यंग किया गया है और आज का जो संस्कृति है, आज का जो हम लोग का संस्कृति जो हम लोग को मिल रहा है, उसके ऊपर ये करारा व्यंग है। व्यंग मतलब आयरनी किया हुआ है, तंज मारा हुआ है कि किस तरह से हम लोग, आज का जो नवयुवक है, आज का जो जनरेशन उभर रहा है, उसके अंदर से देश प्रेम की भावना जो है गायब होती जा रही है, लुप्त होती जा रही है। अर्थात कोट की फटी जेब के अस्तर में कुछ भारीपन महसूस होता है तो खोजने पर पता चला कि वह एक वजनी सिक्का है। अर्थात कवित्री कहती है कि कोट की फटी जेब के स्तर में जब कुछ हेवी सा, भारीपन सा महसूस होता है, तब हम जो उससे खोजने लगते हैं कि इतना भारी क्यों लग रहा, तब पता चलता है कि वो वजनी कुछ सिक्के वहां पर पड़े हुए हैं। आज के परिवेश में देश प्रेम की स्थिति भी कुछ ऐसी हो गई है और आज का जो हम लोग का परिवेश है, आज का जो हम लोग का माहौल है, उस माहौल में देश प्रेम का हालत भी कुछ ऐसा ही हो गया है। वो वजनी सिक्के की तरह ही हमारे लिए भारी हो गया है और वो एक सिक्के की तरह हमारे लिए वो क्या हो गया, भारी हो गया है, जो एक बोझ सा बन गया है, जो काफी खोजने पर किसी स्तर में पड़ा मिल जाता है। और जो काफी खोजने पर कहाँ मिल जाता है, किसी स्तर में वो पड़ा हुआ, किसी कोने में वो पड़ा हुआ हमें मिल ही जाता है, जिसे अपनी सुविधा अनुसार हम उसका प्रदर्शन कर लेते हैं और हम अपने अनुसार, अपना सुविधा के लिए, अपना टाइम के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार उसका कभी कभी हम लोग दिखावा कर लेते हैं, प्रदर्शन मतलब दिखावा कर लेते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज, वैसे तो भारी भरकम चीजों से मुझको डर लगता है, लेकिन वो मिल ही गया तो मैंने उसे प्यार से देखा। वैसे यहाँ कवित्री कह रही है वैसे तो उनको भारी भरकम चीजों से बहुत डर लगता है, लेकिन जब उनको वो मिल ही गया तो वो उसे प्यार से देख लेती हैं, ठीक है। आशा ये है कि कवित्री को एकाएक जेब में जब वजनदार खुले पैसे मिले हो, वो बड़े आश्चर्य में पड़ी। उन्हें डर सा लगा कि इतनी वजनदार वस्तु क्या है, ये कहां से आ गई है, किंतु जब उन्होंने उन पैसों को बाहर निकाला तो उन्हें देखकर उनको प्यार आ गया, क्योंकि आखिर वे थे तो काम के ही। कवित्रियां कह रही है कि जब एकाएक जब उनके कोट में उनको कुछ वजनदार सा, वजन सा, हेवी सा महसूस हुआ, तो उन्होंने खुले पैसे जब उनको मिले, जब उन्होंने देखा उनको जब खुदरे पैसे, खुले पैसे मिले, तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्हें डर सा भी लगा कि इतने वजनदार वस्तु क्या है, इतना वजनदार चीज उनके कोट में क्या है,
यहाँ कहाँ से आ गई, और यहाँ पे ही कहाँ से, इतना वजनदार चीज यहाँ कहाँ से आ गई। किंतु जब उन्होंने अपने पैसे को बाहर निकाला तो उन्हें देखकर उनको बहुत प्यारा, उन्होंने अपने पैसे को बाहर निकाला तो उसे देखकर उन्हें बहुत ही प्यार आ गया, क्योंकि आखिर वो थे तो काम के ही, क्योंकि आखिर में पैसा हमेशा काम ही आता इंसान का, इसीलिए देखकर उन्हें बहुत ही प्यार आ गया। पैसे चाहे जैसे और जिस रूप में ही क्यों ना मिले, उसे काम का समझकर वे रख ही लेती है। और पैसे हमें चाहे वो जिस रूप में भी मिले, खुदरे पैसे के रूप में मिले या नोट के रूप में मिले, वो हमेशा काम ही आता है और वो उसे काम का समझकर अपने पास रख लेती है। आज के परिवेश में कोई किसी का बोझ उठाना नहीं चाहता, चाहे वो देशभक्ति ही क्यों ना हो। और आज का जो माहौल है, आज के माहौल में कोई किसी का बोझ उठाना नहीं चाहता, चाहे वो देशभक्ति ही क्यों ना हो, कोई भी इंसान इतना बोझ नहीं उठाना चाहता है। हाँ, उस देशभक्ति का के प्रदर्शन से यदि कुछ लाभ मिलने की संभावना हो तो वो प्यारी भी लगने लगती है। लेकिन अगर उसी देशभक्ति से हमें कुछ फायदा मिलता हो, कुछ लाभ मिलता हो, तो वो हमें हमेशा प्यारी ही लगती है। इंसान अर्थात यहाँ पे कवित्री कहना चाहती है कि इंसान बहुत ही मतलब परस्त हो गया है। जिस चीज से उसका मतलब निकलता है, जो चीज उसको लगता है कि उसका फायदा होता है, उस चीज से इंसान उसी चीज के ऊपर ही ध्यान देता है, उसी चीज के ऊपर ही देखता है, चाहे वो देश प्रेम ही क्यों ना हो। अगर उसे लगता है कि इस चीज से उसका फायदा हो रहा है तो ही वो उस चीज को देखेगा, वरना वो उसके लिए बेकार है। जो कभी कभी कहीं टटोलते हुए हमारे अंदर 15 अगस्त या 26 जनवरी में हमारे अंदर से वो प्रेम निकल जाता है, लेकिन अगर दिखता है कि उससे हमें कुछ फायदा नहीं है तो कहीं ना कहीं वो भी दबा सा रह जाता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज 26 जनवरी की थी वो ठंडी सुबह, तकिए के नीचे छूट गया था ट्रांजिस्टर खुला, सुबह सुबह बजने लगा राष्ट्रगान। और अब कवित्री क्या कह रही है कि वो ये घटना कब की है, 26 जनवरी की वो ठंडी सुबह थी, जनवरी का मौसम था, 26 जनवरी का ठंड काफी था, उनके तकिए के नीचे कहीं ट्रांजिस्टर जो है, रेडियो जो है खुला रह गया था, और सुबह सुबह अचानक से राष्ट्रगान जो है, जो हमारा राष्ट्रीय गाना है जन गण मन, वो अचानक से बजने लगा। आशा ये है कि कवित्री सोई थी, प्रातः काल का समय था और 26 जनवरी का दिन था। कवित्री जो सोकर थी, सुबह का समय था और दिन जो था 26 जनवरी का दिन था, कि अचानक कि तभी उन्हें तकिए के नीचे से राष्ट्रगान सुनाई पड़ा। तो यहाँ कवित्री क्या कह रही है कि उनके तकिए के नीचे राष्ट्रगान सुनाई देता, उनको तकिए के नीचे से अचानक से राष्ट्रगान की आवाज आती है। ठीक है, वे ये समझ नहीं पा रही थी वे कैसे और कहां से आ रहा था, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रही थी कि ये राष्ट्रगान का जो आवाज है वो कैसे और कहां से आ रहा था। किंतु जब उन्होंने तकिया उठाया तो उसके नीचे रेडियो रखा था, लेकिन जब उन्होंने तकिया उठाया तो उसके नीचे में उनका रेडियो रखा था, जिसे वो बजता छोड़ दी थी और उससे वो स्वर सुनाई पड़ रहा था, जिससे वो बजते बजते खुला छोड़ दी थी और उसी से वो आवाजें आ रही थी जो राष्ट्रगान था। अर्थात कवित्री कहती है कि हमारे अंदर से जो है ये चीज कब बाहर आई, कवित्री के अंदर से 26 जनवरी के सुबह थी, इस पद में कवित्री कहती है 26 जनवरी की ठंडी सुबह थी और तकिए के नीचे उसका ट्रांजिस्टर खुला रह गया था, जिससे सुबह सुबह ही आवाज आने लगी, राष्ट्रगान बजने लगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना तक ही रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, ये पार्ट 2 है, नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।